गुरुदेव। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नाइन्थ देखिए क्या कह रहा है। x dy by dx plus y minus x plus xy cot x equal to 0 है और x is not equal to 0। तो आइए नाइन्थ क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो नाइन्थ क्वेश्चन में मेरा सिंपली कह रहा है दिस इज x dy by dx plus y minus x plus xy cot x इज इक्वल टू 0 और x का मान 0 के इक्वल ना हो। तो यहाँ से मुझे dy by dx निकालनी है। तो एक एक स्टेप करते हैं हम लोग। तो दिस इज x dy by dx और y वाले को मैं पहले एक साथ लिखूँगा। तो प्लस दिस इज 1 प्लस x cot x y और इस x को मैं इधर ले जाऊँगा, ये हो गया। और इस x से अब पूरे को डिवाइड कर देता हूँ। तो ये हो जाएगा dy by dx प्लस 1 प्लस x cot x अपॉन x y और x अपॉन x तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये हो गया मेरा dy by dx प्लस 1 प्लस x cot x अपॉन x y इज इक्वल टू 1। तो ये जो मेरा आया है यही मेरा रिक्वायर्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनाया है, जहाँ पर p का मान हम साफ साफ देख सकते हैं कि ये और q का मान ये है। तो नेक्स्ट पेज में हम लोग आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ मैं लिखूँगा दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dy by dx plus py is equal to q। therefore p का मान यहाँ पर मेरा क्या आया 1 plus x cot x upon x और q का मान मेरा 1 आया है। therefore इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू e p dx। दिस इज p का मान मेरा आया 1 प्लस x cot x by x dx, ये है। तो इसको मैं अलग अलग सेपरेटली अगर सॉल्व करूं तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं e की पावर इंटीग्रेशन 1 अपॉन x dx और प्लस इंटीग्रेशन दिस इज x x कट जाएगा तो यहाँ बचेगा cot x dx। तो e की पावर ये तो हो जाएगा मेरा log x और cot x का मुझे पता है log sin x होता है और log m प्लस log n होता है मेरा log m इंटू n यानी log x इंटू sin x हो जाएगा और ये भी e तो ये क्या हो जाएगा मेरा x इंटू sin x हो जाएगा। तो ये मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। तो यहाँ मैं लिखूँगा therefore सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx। तो y इंटू x sin x दिस इज q, q का मान मेरा क्या है दिस इज क्यू का मान मेरा 1 आया है ना, ये 1 था क्यू का मान तो मैं यहाँ 1 रखूँगा इंटू एक्स साइन एक्स डी एक्स, ये हो गया मेरा। अब मैं आगे इसको सॉल्व करूँ तो ये हो जाएगा मेरे पास दिस इज वाई इंटू एक्स साइन एक्स दिस इज, अब यहाँ पर मैं x को बाहर ले लेता हूँ दिस इज इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स माइनस दिस इज इंटीग्रेशन dy dx of x दिस इज इंटीग्रेशन sin x dx dx। तो ये हो जाएगा मेरे पास x sin x का इंटीग्रेशन दिस इज cos x होगा और माइनस और ये cos x माइनस में होगा और ये हो जाएगा मेरा 1 और ये माइनस cos x और दिस इज dx। तो हो जाएगा माइनस x cos x प्लस इंटीग्रेशन cos x dx दिस इज y इंटू x साइन x। तो ये मेरा प्लस c भी आगे आएगा तो नेक्स्ट स्टेप में लिख दूंगा माइनस x cos x प्लस cos x का होता है साइन x प्लस c दिस इज y इंटू x साइन x। तो x साइन x अगर मैं पूरे को डिवाइड कर दूं तो y का मान आ जाएगा x x कट जाएगा तो साइन cos x अपॉन साइन x cot x हो जाएगा तो माइनस cot x यहाँ पर हो जाएगा और यहाँ पर 1 अपॉन x आ जाएगा और यहाँ पर c अपॉन x साइन x हो जाएगा दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। तो इस टाइप से मेरा ये नाइन्थ क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। नाइन्थ के बाद देखिए मेरा टेंथ क्वेश्चन क्या कह रहा है। टेंथ क्वेश्चन कह रहा है x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 है। तो आइए इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। x प्लस वाई
दिस इज डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वन। ओके, तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ कि अगर मैं इसको उल्टा कर दूँ तो ये हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी वाई, ये डी एक्स इधर चला गया और डी वाई अपॉन में आ गया, दिस इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। तो ये हो जाएगा मेरे पास डी एक्स अपॉन डी वाई, और x को इधर ले आता हूँ माइनस एक्स इक्वल टू वाई। ये ध्यान रखिएगा कि थोड़ा सा अलग है, जैसे हर बार डिफरेंशिएशन में हम लोग जो है x के रिस्पेक्ट में करते थे और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते थे, इस बार जो है y के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो जब x के रिस्पेक्ट में करते थे तो यहाँ पर y रहता था, लेकिन यहाँ पर y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो यहाँ x होगा। ठीक है, तो ये मेरा एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन चुका है, विच इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म डी एक्स बाई डी वाई प्लस एक्स यानी प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू। ओके, तो यहाँ से कंपेयर अगर करें, देयर फोर पी इज इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा, माइनस वन हो जाएगा और क्यू का मान वाई हो जाएगा। तो हेंस इंटीग्रेटिंग फैक्टर, हर बार क्या होता था इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ए इंटीग्रल पी डी एक्स होता था, इस बार पी डी वाई होगा, इसको ध्यान रखिएगा। तो दिस इज ई, पी का मान है माइनस वन डी वाई, तो माइनस तो बाहर आ जाएगा, दिस इज डी वाई, तो फाइनली ई की पावर माइनस वाई आ गया। तो यहाँ पर रिक्वायर्ड सोल्यूशन क्या हो जाएगा, तो नेक्स्ट पेज में करते हैं इसका रिक्वायर्ड सोल्यूशन। तो यहाँ मैं लिखूँगा देयर फोर Required solution is, तो ये हो जाएगा मेरा x, हर बार y into integrating factor करते थे लेकिन यहाँ पर y के respect में differentiation हुआ है, differential equation dx upon dy है, तो यहाँ पर x into integrating factor होगा, this is equal to q into integrating factor, और यहाँ पर dx की जगह पर dy हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। तो x integrating factor मेरा e की power minus y आया है, this is, और q का मान मेरा जो है y है पहले से ही, e की power minus y dy। ठीक है, अब इसको मैं सॉल्व अगर करूं तो ये हो जाएगा मेरे पास x इंटू ई की पावर माइनस वाई, दिस इज यहाँ पर y को मैं बाहर ले लेता हूँ, e की पावर माइनस वाई डी वाई, दिस इज माइनस, दिस इज इंटीग्रेशन, और ये हो जाएगा मेरे पास डी वाई डी एक्स, हर बार डी वाई डी एक्स करते थे, यहाँ पर जो है मेरा डी वाई के रिस्पेक्ट में है तो डी वाई डी वाई करेंगे, ध्यान रखिएगा, दिस इज डी वाई डी वाई और वाई, फिर इंटीग्रेशन ई की पावर माइनस वाई डी वाई और फाइनली डी वाई। तो ये हो जाएगा वाई, और दिस इज माइनस वन, दिस इज ई की पावर माइनस वाई, माइनस दिस इज वन इंटू, दिस इज e की पावर माइनस वाई का इंटीग्रेशन, दिस इज माइनस वन इंटू ई की पावर माइनस वाई, दिस इज डी वाई। तो ये हो जाएगा माइनस वाई इंटू ई की पावर माइनस वाई, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दिस इज ई की पावर माइनस वाई डी वाई, दिस इज एक्स इंटू ई की पावर माइनस वाई। तो इसको मैं अगर फिर से आगे करूँ तो माइनस वाई इंटू ई की पावर माइनस वाई प्लस माइनस वन इंटू ई की पावर माइनस वाई प्लस सी, दिस इज एक्स इंटू ई की पावर माइनस वाई, ई की पावर माइनस वाई से मैं इस पूरे को डिवाइड करूँ तो हो जाएगा माइनस वाई, दिस इज माइनस वन, दिस इज प्लस सी इंटू ई की पावर माइनस वाई, ऊपर जाएगा तो प्लस वाई हो जाएगा। तो इस टाइप से मेरा ये माइनस वन, और इसको मैं इधर ले लेता हूँ, तो एक्स प्लस वाई प्लस वन, दिस इज इक्वल टू सी ई की पावर वाई, दिस इज रिक्वायर्ड आंसर, यही मेरा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से मेरा ये टेंथ क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। टेंथ के बाद देखिए इलेवेंथ क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए उसको भी सॉल्व करते हैं हम लोग। तो इलेवेंथ क्वेश्चन है मेरा वाई डी एक्स है प्लस एक्स माइनस वाई स्क्वायर डी वाई है इज इक्वल टू जीरो है, तो आइए इसको भी सॉल्व करते हैं। दिस इज वाई डी एक्स प्लस एक्स माइनस वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू ज़ीरो, ये है मेरा। तो यहाँ से ये भी जो है डी एक्स अपॉन डी वाई के फॉर्म में ही मुझे दिख रहा है, तो यहाँ पर डी वाई को पूरे को डिवाइड कर दूंगा, दिस इज वाई डी एक्स बाई डी वाई प्लस एक्स माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो। तो इस x को मैं यहीं रहूँगा क्योंकि y जो है नीचे है, तो x इधर की ओर रहेगा, तो डी एक्स बाई डी वाई, और इस y को मैं इधर ले जाता हूँ, दिस इज वाई स्क्वायर, तो y से पूरे को डिवाइड कर दूंगा, तो dx by dy हो गया मेरा
वन अपॉन वाई एक्स, दिस इज वाई। तो यहाँ पर ये साफ साफ दिख रहा है कि ये मेरा एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो यहाँ मैं लिखूँगा विच इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म दिस इज डी एक्स बाई डी वाई प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू, इसके फॉर्म में है। देयरफॉर पी का मान हो गया 1/y और क्यू का मान हो गया वाई। तो यहाँ से देयरफॉर इंटीग्रेटिंग फैक्टर की बात करूँ, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू ई इंटीग्रल पी डी वाई, तो ये हो जाएगा e की पावर दिस इज 1/y डी वाई, तो ये हो जाएगा मेरा e की पावर log y, तो ये हो जाएगा y। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज वाई इंटू सॉरी यहाँ पर एक्स डी एक्स बाई डी वाई है, तो एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर दिस इज इंटीग्रेशन क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू डी वाई। तो एक्स इंटू वाई हो जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर की जगह पे, क्यू का मान मेरा है वाई इंटू वाई, दिस इज डी वाई। तो फाइनली ये मेरा हो जाएगा इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर डी वाई, तो ये हो गया वाई क्यूब बाई थ्री प्लस सी, दिस इज एक्स वाई, दिस इज एक्स वाई। तो फाइनली एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास वाई स्क्वायर बाई थ्री प्लस सी अपॉन वाई, दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। तो इस टाइप से मेरा ये 11th क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। 11th के बाद देखिए 12th क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है। तो 12th क्वेश्चन मुझसे कह रहा है दिस इज एक्स प्लस थ्री वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई है और वाई इज ग्रेटर देन जीरो है। तो आइए इसको भी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर कुछ माइंड को घुमाने के लिए इन्होंने जो है डी वाई बाई डी एक्स इज वाई ऐसा करके लिखा है कि आप समझें कि ये डी वाई बाई डी एक्स के फॉर्म में है, जबकि ये हकीकत में डी एक्स अपॉन डी वाई के फॉर्म में है। तो इसको मैं क्या करता हूँ कि डी एक्स बाई डी वाई के फॉर्म में करता हूँ, तो ये हो जाएगा ऐसे ही, इसको इधर मल्टीप्लाई करूँगा, ये इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा वाई इंटू डी एक्स बाई डी वाई। ओके, तो एक्स वाले को मैं इधर ले आता हूँ, तो ये हो जाएगा वाई इंटू डी एक्स बाई डी वाई, और ये इधर गया तो माइनस एक्स, ये उधर ही रहेगा, थ्री वाई स्क्वायर हो गया। अब वाई से इस पूरे को डिवाइड कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा डी एक्स बाई डी वाई माइनस वन अपॉन वाई एक्स, दिस इज थ्री वाई। तो यहाँ मैं देख सकता हूँ दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म डी एक्स बाई डी वाई प्लस, लगता है ये कलम की इंक ख़त्म हो चली है, ये कलम की इंक ख़त्म हो गई है, तो मैं दूसरा कलम उठाता हूँ। तो ये हो गया मेरा डी वाई प्लस दिस इज पी एक्स इक्वल टू क्यू। तो यहाँ पर लिखूँगा मैं वेयर पी इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन वाई एंड क्यू इज इक्वल टू थ्री वाई। देयरफॉर इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू ई की पावर पी डी वाई, तो ये हो जाएगा ई की पावर माइनस वन अपॉन वाई डी वाई। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो माइनस बाहर हो गया, वन अपॉन वाई डी वाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरे पास माइनस लॉग वाई, माइनस तो पावर में चला जाएगा, तो ई की पावर लॉग वाई की पावर माइनस वन, फाइनली वन बाई वाई आ जाएगा, क्योंकि ये भी ई है और ये भी ई है बेस, ठीक है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर मुझको वन बाई वाई मिल चुका है। देयरफॉर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज, तो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्या होगा, एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर दिस इज इक्वल टू क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू डी वाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा एक्स इंटू वन बाई वाई, दिस इज क्यू, क्यू का मान मेरा क्या है थ्री वाई, इंटीग्रेटिंग फैक्टर वन बाई वाई, दिस इज डी वाई। तो ये हो गया वाई वाई कैंसिल आउट हो गया, दिस इज थ्री डी वाई, दिस इज एक्स वाई वाई। तो फाइनली थ्री बार हो गया, दिस इज डी वाई, तो ये हो जाएगा 3y प्लस सी, दिस इज एक्स बाई वाई, दिस इज एक्स बाई वाई। तो देयरफॉर x की वैल्यू क्या आ गई, दिस इज 3y स्क्वायर प्लस सी वाई, दिस इज रिक्वायर्ड आंसर, दिस इज रिक्वायर्ड आंसर।
तो इस टाइप से मेरा ये 12th क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। बस एग्ज़ाम में या फिर IIT JEE में ये सब पूछे या फिर आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में भी पूछे, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि इस टाइप के क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए आपको देता है कि आप कैसे पता करो। तो पता करने के लिए आप सिंपली इसको ये फॉर्म याद रखो कि ये dx/dy में ये जब y होता है तो इधर x होता है, ठीक है। ये चीज़ मत कंफ्यूज होना, तो आप ऐसे क्वेश्चन कर ले जाओगे, ठीक है। और दूसरा पॉइंट इंटीग्रेटिंग फैक्टर में ध्यान रखना कि जब y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन हो रहा है तो यहाँ भी dy होगा। और नेक्स्ट थर्ड पॉइंट में ध्यान रखना कि जब सॉल्यूशन की बात करेंगे तो फिर x से ही स्टार्टिंग होगी, ठीक है, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो आज के लिए इतना ही मित्रों, तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय श्री राम, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।